मॉर्निंग वॉक की रविवार श्रृंखला में आज हमने हेरिटेज वॉक किया है और इसके लिए हम लोग ने ब्रह्मपॉल अम्बापॉल से होते हुए नागरवाड़ी आचार्य मार्ग कर्मशील मार्ग होते हुए हम लोग ये अमराई घाट पर पहुँचे हैं। हालांकि मूलतः इसका नाम माझी का घाट कहा जाता है, लेकिन चूंकि एक पारंपरिक रूप से जो युवा पीढ़ी में जो जाना जाता है नाम, वो अमराई घाट के नाम से जाना जाता है। चूंकि हर रोज सुबह इस माझी के मंदिर में दर्शन करने वालों की भी भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ पर जब से देवस्थान विभाग ने कुछ टिकट दर निर्धारित किया है आने वालों का, उसके बाद से काफ़ी लोगों ने यहाँ विरोध किया कि मंदिर है, मंदिर का टिकट नहीं होना चाहिए। तो सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 7 जब दर्शन का समय होता है तब टिकट नहीं लगता है और आप आराम से दर्शन करने के लिए भी आ सकते हैं। और पिछली बार हम लोगों ने जगदीश मंदिर से होते हुए घंटाघर तक का भ्रमण किया था और आज हम लोग ये आ गए हैं। हमारे साथी लोग हैं, सब लोग ये चर्चा करते हुए, और ये देख लिए मेरे साथ नरेश कुमार जी हैं और ये बहुत बरसों के बाद अमराई घाट पर आए हैं। आनंद आ गया अमराई घाट आके। हाँ कुलदीप जी, आप तो पहली बार ही आए हैं। नहीं, मैं तो पहले आ चुका हूँ अमराई घाट, 2-1 बार घूम चुका हूँ। हाँ, पर ज्यादा देर नहीं रुका। हाँ, लेकिन ये जो विकास कार्य हुए हैं और ये जो सुंदरताएं दिख रही है, ये इसके बाद आप पहली बार आए होंगे। पीछे पिछुला का नजारा है और पीछे ताज पैलेस भी दिखाई पड़ रहा है। जी जी, मैं भी पहली बार ही आया आज यहाँ। बहुत अद्भुत नजारा है, लग रहा है 3 तरफ पानी है। हाँ रमोदर जी, भाई कुंजन जी ने पहली बार उदयपुर में सड़क के दर्शन करवाए हैं। उदयपुर काफी सालों से रहते हुए भी इस जगह आने का काम पहली बार पड़ा, इसका श्रेय भाई आचार्य जी को जाता है। वाह, क्या बात। प्रतिदिन प्रति रविवार ये नजारा दिखाने का एक अद्भुत बीड़ा हमारे भाई साहब ने उठाया है और उदयपुर में प्रत्येक रविवार को ऐसे दर्शनीय स्थलों को दिखा के हमें प्रतिलाभ दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आचार्य को। हम लोगों ने तय किया कि हर रविवार हम लोग हमारे जो मूल रूट हैं जहाँ हम भ्रमण करते हैं उससे हटकर शहर के उन स्थानों पर जाएंगे जहाँ हम कभी नहीं गए। मैं भी ऐसे शहर के कई इलाके जहाँ नहीं जा पाया था, नहीं देख पाया था। हमने ये दूसरा रविवार है, पिछले रविवार हमने जगदीश चौक से लेकर घंटाघर तक का भ्रमण किया था और पुरानी हवेलियाँ पुरानी गलियाँ देखी थी। आज हम झील किनारे आए हैं, अगला रविवार फिर कहीं होगा। विप्लव जी भी साथ खड़े हुए हैं, ये भी कुछ कह रहे थे। बस ये प्रयत्न है हमारी टोली का कि हम शहर को ठीक से जान सके और जान रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं लोगों से। बिल्कुल, तो ये हमारा प्रयास होगा हर बार कि हम हर बार एक नई जगह जाएं और नई चीज़ों को देखें, आपको भी दिखाएं, खुद भी देखें, क्योंकि शहर की ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम लोगों ने आज तक नहीं देखी है। आप लोगों ने भी उदयपुर में रहते हुए इन चीज़ों को नहीं देखा होगा। हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हर रविवार किसी ऐसी नई जगह जाएं और प्रकृति के बीच में झीलों के साथ में हेरिटेज वॉक करते हुए, ताकि हम खुद भी शहर को देख सकें और आप लोगों को भी दिखा सकें। कार्य तो किया है और चूंकि एक महत्वपूर्ण पर्यटक केंद्र है ये, लोग आते हैं झील का आनंद उठाने के लिए, तो ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और पर्यटकीय महत्व इसका इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर झीलें यहाँ की लाइफलाइन है और यहाँ पर पहुँचने के लिए, जो झीलों को देखने के लिए और जो आनंद उठाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, वो इसका एक अद्भुत पक्ष है। और बहुत सारी वॉक करने के बाद में और कैलोरी खर्च करने के बाद में भूख लगती है और सुबह सुबह का समय है। हम लोग आ गए हैं दरबार दही वाले टेकरी चौराहे पर, जहाँ पर बहुत भारी भीड़ थी। कतार के बाद में हम लोगों ने दही घोटा लिया है, इसका नाम कड़ी घोटा है। हम सब लोग मिलकर इस कड़ी घोटे का आनंद उठाएंगे अभी और अभी की जो थकान हुई है उसको दूर करेंगे। ये हेरिटेज वॉक का आज दूसरा रविवार है और हम लोग इसको करते हुए आज पुनः अपने वाहनों की तरफ जा रहे हैं। सुबह की 7:30 बज चुके हैं और हम सब लोग वापस आज की मॉर्निंग वॉक समाप्त करके अपने अपने घरों की तरफ लौटेंगे। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।